भी है, फिर वो पहले वाली क्लास में। चूल्हा नजर आ रहा होगा ऊपर, वो भाई कि सुबह जो है ना वो मुझे पता ही नहीं नाम वो जो होते हैं, वो नया चाहिए, वो मेरे पुराने वाला हो गया, फिर वो पहले वाली क्लास में वो नया नहीं दिखा देना। आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका, उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आई हूँ अब्दुल हादी का जो है वो नया यूनिफॉर्म लेने के लिए, इसका जो है नया कोर्स लेना है। 2 क्लास में मेरा बेटा माशाल्लाह से हो गया, तो उसका सारा सिलेबस यहाँ से लेंगे और इसकी प्लस स्टेशनरी। तो अब्दुल हादी अपनी पसंद की पेंसिल यहाँ पे चूज़ कर रहा है, तो कुछ स्टेशनरी हम स्कूल में सबमिट करवा देते हैं और कुछ है ना ये इसके स्कूल बैग में रखने के लिए मैं ले रही हूँ। आदि हो गया रेडी माशाल्लाह से मेरा बेटा का, आज फर्स्ट डे है स्कूल का छुट्टियों के बाद। चलो बेटा चलें, तो पापा इसको छोड़ने जा रहे हैं। पापा आ जाए। चलें जी, आदि रेडी है। ओके अल्लाह हाफिज़ बेटा। जी तो हादी के पापा जो है ना छोड़ कर आए थे, हादी को उसके आने तक जो है ना मैंने नाश्ता तैयार कर लिया था। सिंपल अंडा बॉयल और साथ ब्राउन ब्रेड है। वो दूसरा चूल्हा नज़र आ रहा होगा ऊपर, वो भाई कि सुबह जो है ना वो गैस तो आ रही थी, लेकिन जो है ना तकरीबन कोई 10 बजे के करीब जो है ना गैस बंद हो गई हमारी, और इतनी कम प्रेशर था ना कि पराठा भी नहीं बन सकता था। फिर ये ना मैंने इमरजेंसी में ना सिलेंडर वाला चूल्हा रखा हुआ है, तो ये इसका पाइप बाहर है, बाहर आउटसाइड मैंने ना किचन में बाहर जो रास्ता निकलता है ना गली में रखा हुआ है सिलेंडर, तो इमरजेंसी जब हो गैस बंद हो जाए तो फिर मैं इसको जो है ना कनेक्ट कर लेती हूँ। ये पीछे मैंने इसका पाइप फिर कनेक्ट किया, चूल्हा ही अंदर मेरे पास पड़ा होता है, तो ये दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने रखा है। तो फिर मेरे बीच में कुछ ऑर्डर्स भी आ गए थे फूड पांडा के, वो भी तैयार करने थे, तो फिर उसके ऊपर मैंने कुकिंग की। तो गैस के हवाला की हमारी जाती नहीं है, लेकिन आज जो है ना वो चलेगी। और यहाँ पे ढेर सारे बर्तन मैंने वॉश करके जो है ना अभी समेटे हैं, और आज मैंने निकाला हुआ है चिकन बनानी, मैंने बिरयानी है। लेट्स सी कि गैस की क्या पोजीशन है, इसको डिफ्रोस्ट होने के लिए रखा हुआ है, तो अगर तो गैस आ जाती है तो फिर हम अपनी बिरयानी शनी बनाते हैं, नहीं तो फिर जो है ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। अभी वेट करती हूँ गैस के आने तक, तो फिर जो है ना काम अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करके रखती हूँ, चिकन मैंने वॉश कर लिया है, हमारा दही है, मेरे पास ना बिरयानी मसाला आज नहीं पड़ा हुआ था, तो आज मैं घर का मसाला ही डाल रही हूँ। उसके लिए मैंने ना 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, 1 से 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1/2 चम्मच हल्दी का और सूखा धनिया के 2 चम्मच छोटे डाले हैं, और इसके अलावा गरम मसाले के 2 चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने जो है वो तकरीबन 1.5 चम्मच ऐड कर दिया, सारी चीज़ों को मिक्स करके अब इसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया। नमक जो है हाँ सिर्फ मैंने 5 चम्मच जो है ना डाले थे, मैंने अपनी प्यालियों का हिसाब रखा हुआ है, जितने मैंने चावल डालती हूँ ना तो 2 प्याली में 5 चम्मच मेरे जो है ना चले जाते हैं। साथ में थोड़ा सा आलू बुखारा और इमली भी मैंने अंदर ही डाल दी थी, और टमाटर 2 काट के ऐड कर दिए थे। सारी चीज़ों को मैंने जो मैरिनेट करके रख दिया है साइड पर, और इसके बाद मैंने चावल चूँकि पहले से भिगोए हुए थे तो उसका मैं पानी जो है ना उबलने के लिए रख दिया मैंने, उसमें मैंने 2 लेमन डाल दिए और गर्म मसाला डाल दिया। यहाँ पर तेल जो है ना मेरा ख़त्म हो रहा था, तो उसको मैं रिफिल कर रही हूँ ताकि मैं अपना चिकन भी साथ ही जो है ना कढ़ाई में चढ़ा दूँ।
तो साथ साथ वो भी पकता रहेगा, साथ साथ चावल भी बॉयल हो जाएंगे। इस तरह से ना जो है ना टाइम आपका जो है ना बड़ा सेव हो जाता है कि अगर आप एक ही टाइम पे दो तीन जो है ना टास्क कर लें। तो ख़ास तौर पे जब आप बिरयानी या इस तरह की मल्टीपल चीज़ें बना रहे हों जिसमें दो तीन प्रोसेस हों कुकिंग के, तो टाइम जो है ना वो आपका आधे से भी कम हो जाता है। इसी तरह मैंने भी जो है ना एक चूल्हे पे चावल चढ़ा दिए थे और दूसरे पे जो है ना उसका मैंने चिकन जो है ना भुनने के लिए मैं साथ वो भी रख दूँगी। तीसरे चूल्हे पे मैंने जो है ना उबलने के लिए चिकन रखा है बॉयल होने के लिए, उसके अंदर मैंने जो है ना डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच और उसको बॉयल करके तो बाद में जो है ना उसके रेशे कर लूँगी ताकि वो सैंडविचेस में इस्तेमाल कर सकूँ। अच्छा, आज मैं सुबह ना जल्दी उठ गई थी क्योंकि काफ़ी देर से जो है ना रूटीन काफ़ी चेंज हो गई थी जब से अब्दुल हादी को छुट्टियाँ हुई हैं। तो सुबह नमाज़ के लिए तो खैर मैं उठती थी, उसके बाद दोबारा से सो जाती थी। अब जो है ना वो नींद मेरी पूरी नहीं हुई आज, और ऐसे लग रहा था सुबह हादी स्कूल नहीं जा रहा, मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल डेज़ वापस आ जाते हैं। तो थोड़ा सा जो है ना वो शुरू शुरू में मुझे बड़ा होता है नींद का, क्योंकि मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती, मुझे शुरू से आदत ही नहीं है दिन के वक्त ना सोने की। और जो है ना मैं बस रात की जो नींद होती है 6-7 घंटे की वही मेरी होती है, अगर वो भी पूरी ना हो पाए तो फिर मैं सारा दिन बहुत जो है ना वो आवाज़ार सी रहती हूँ। तो आज मेरा भी सुबह ना जब मैं उठी उसके लिए नाश्ता बनाने के लिए तो मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही थी। इवन मैंने व्लॉगिंग भी करनी थी सुबह, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं कैमरा हाथ में पकड़ सकूँ। तो बस फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकी, मैंने जो है ना आंखें मेरी बार बार बंद हो रही थी, बड़ी हिम्मत करके मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया, हादी को जो है वो फिर लंच साथ बना कर दिया और स्कूल भेजा। तो जब उसके पापा छोड़ने गए उसके बाद फिर मैं जो है ना वो अंदर जाके सो गई, तो बड़ी मुश्किल से फिर दोबारा उठ के मैंने जो है ना उनके लिए उसके पापा के लिए नाश्ता वाश्ता बनाया। तो बस नींद जो है ना वही पीक आवर मेरा होता है, वो 1-1.5 घंटे की मिस हो गई क्योंकि शेड्यूल चेंज हो चुका था, तो उसने बड़ा मुझे तंग किया। जी मैंने चावल डाल दिए इसके अंदर, बस इसको उबाल आते हैं और ढक्कन थोड़ा सा कवर कर दिया। ये जो है ना चिकन बॉयल में कर रही हूँ, लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा डाल दिया, तो थोड़ा सा नमक सैंडविचेस के लिए। यहाँ पे हमारा जो है बिरयानी का चिकन कोरमा जो है वो तैयार हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सस्ता पकता है। ये साथ साथ जो बर्तन हुए उठा देते हैं। जी व्यूअर्स, तो शादी तक गया बस तो अभी आ जाएगा कोई तकरीबन 1:45 बजे के करीब, 1:20 पे उसको छुट्टी होनी है, फिर वैन पे आएगा। तो मैंने सोचा उसके आने से पहले जो है ना मैं खाना तैयार कर लूँ ताकि बाबू को जो है ना आते भूख लगी होगी, तो खाना खा लेगा, ज़रा बिरयानी खुश होके खा लेता है। और जो है इसके अलावा मैंने जो है इसके साथ शामी कबाब बना कर रखे हुए, वो फ्राई कर लूँगी और साथ में रायता शायता हो जाएगा। तो गैस शुक्र है कि जो है ना वो 1 घंटे बाद गैस वापस आ गया था। तो ये देखें अब 3 चूल्हे मेरे एक साथ ये चल रहे हैं। तो सिलेंडर तो है लेकिन फिर वो सिलेंडर से ना वो मज़ा नहीं आता कुकिंग करने का जो इस गैस पे, क्योंकि हमें शुरू से आदत है ये वाली गैस इस्तेमाल करने की। मैंने एमरजेंसी की सूरत में तो रखा हुआ है सिलेंडर, लेकिन प्रॉपर कुकिंग करना ना मेरे लिए उस पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुझे एक तो डर भी बड़ा लगता है सिलेंडर से जाना, एक खौफ सा बैठा हुआ है, तो मैं बड़ा कमोबेश ही कोशिश करती हूँ उसको मैं इस्तेमाल करूँ, तो एमरजेंसी की सूरत में मैं निकालती हूँ। तो ये 3 चूल्हे मेरे एक टाइम पे चल रहे हैं, तो सिलेंडर तो जो है वो ऐसे हम इस्तेमाल करें तो एक तो महंगा भी बहुत पड़ता है और जो है ना वो फिर इतनी गैस में उसके ना इतना सेक भी नहीं होता, वो गैस लगती तो ज़्यादा है आपको देखने में लेकिन प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन उसके अंदर जो है ना सेक कम होता है। ये भी बड़ी जो है ना वो मैंने चीज़ नोटिस की, इस गैस में जो है ना सेक ज़्यादा होता है, कम भी रखेंगे ना तो खाने को सेक ज़्यादा लगता है। तो जनाब हमारा उबाल आ गया चावलों को, बातें करते करते पता ही नहीं मुझे चला बंद हो गया, उसको चलाते हैं। ये लाइटर भी ना हमारे, बस एक टाइम चलते हैं, दोबारा रीफिल भी कर लो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। जैसे हमारा बिरयानी का कोरमा जो है सीजन हो गया तैयार, उसने अपने स्कूल भी उसने छोड़ दिया,
और बड़ा अच्छा जो है माशाल्लाह चिकन भी मेरा जो है गल के आ गया। मैंने इसको ना कवर बिल्कुल भी नहीं किया, तो बावजूद उसके जो है ना चिकन इतने ही पानी और उसके अंदर जो दही वगैरह डाली थी उसके अंदर बड़ा अच्छा जो है ना गल गया। टमाटर भी अच्छे इसके अंदर जो है ना घुल गए, हमारे चावल भी गले जी। तो ये मैंने ऊपर जो गार्निशिंग करनी थी वो भी काट ली सब्ज़ियाँ। सबसे पहले हम नीचे चावलों की तह लगाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हमने बस दो ही तहें लगाई थी, हमारी चावलों की क्वांटिटी जितनी थी उसकी दो तहें ही लग सकती थी। और मज़े की बात बताऊं, जब मैंने दम खोला तो उस वक्त मुझे याद आया कुछ चीज़ की कमी है, तो उस वक्त मुझे पता चला कि मैंने तो ज़रदा रंग डाला ही नहीं बिरयानी के अंदर। तो समटाइम ऐसे ब्लंडर भी हम मिस्टेक्स के कर जाते हैं। तो पूरे रेसिपी मैंने रिकॉर्ड किया, उसके बाद जो है ना वो जब दम खोला तब जाके याद आया कि मैंने जो है ना ज़रदा रंग नहीं डाला। एनीवेज तब कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन क्योंकि मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाली हुई थी बिरयानी मसाले में, तो उसका थोड़ा सा येलो येलो सा कलर था, इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था कि ज़रदा रंग नहीं डाला। तो खाने में तो खैर कोई डिफरेंस नहीं होता, कलर का थोड़ा सा होता, बिरयानी का ज़रा जर्दे रंग से लुक थोड़ा बेहतर हो जाता है। बहरहाल घर में फिर हो तो चले चला ही लेता है बंदा, लेकिन ऐसे जो है ना मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया होगा मेरी ये मिस्टेक्स है कि आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो बस ये भी जो है ना मैंने ज़बरदस्ती खाना जो है ना बनाया अपने आप को बार बार पुश करके। तो कभी कभी जो है ना फिर मूड नहीं होता आपका, फिर जो है ना आप गलती पे गलती जो है ना वो कर ही देते हैं। जी तो तकरीबन कोई 7-8 मिनट के बाद मैंने दम खोल लिया था, चावल हमारे तैयार हो गए। इसको मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा सा मैं चावल अब लेकर खाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख भी लग गई है। और अब्दुल हादी आएगा फिर उसको खाना देंगे, और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कैसा रहा मेरे बेटे का दिन? गुड। जो पानी पी लो फिर मैं चेंज करूँ। बस चेंज।